हेलो एवरीवन, हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब? चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरी इंजीनियर्स जो हमारे साथ आज ज्वाइन हुआ है। सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है इंजीनियर गौरव साहू और आज मैं आपको एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, जिसे हम AIV भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई AIV क्या होता है, कैसे इसे परफॉर्म करते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सब जानेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। राहुल कुमार, गुड आफ्टरनून। जैसे कि अभी तक हमने काफी सारे टेस्ट डिस्कस किए हैं, जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये सारे टेस्ट हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारे टेस्ट हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि आगे चलकर जो हम बिटुमिन कंक्रीट जो हमारी वेयरिंग कोर्स है, मैं हर सेशन के पहले आपको एक बार बता देता हूँ, रिमाइंड कर देता हूँ कि हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस क्या है ये टेस्ट परफॉर्म करने का? मेन पर्पस यही है कि बिटुमिन कॉन्क्रीट का जो मिक्स डिजाइन हम करेंगे, उसमें हमें इन सभी टेस्ट के रिजल्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। कि अगर आज इम्पैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इम्पैक्ट पड़ने पे हमारा एग्रीगेट कितना टूट रहा है, कितना उस पे वेयरिंग आ रही है, ये हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि इससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, इससे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा एग्रीगेट कितना स्ट्रांग है, कितना ज्यादा ड्यूरेबल है, ये हम इसे पता कर सकते हैं। तो मेन पर्पस यही है। मोहम्मद, हेलो, आई थिंक काफी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ठीक है, तो मल्टीपल टेस्ट हमने परफॉर्म किए। हमने एग्रीगेट के एग्रीगेट का जो हमारा लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट है, जो हमारा सेकेंड हाफ में होने वाला है, 3 से 5 जो हमारी सेशन रहेगी, 3 से 4, उसमें हम लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट की बात करेंगे। अभी एब्रेशन क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, क्रशिंग क्या होता है, ये अलग अलग चीजें होती है। तो इसका अगर मैं मेन डिफरेंस बताऊं, कि अगर मैं हम नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करें कि भाई ये सब में डिफरेंस क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा सबसे पहले आ जाता है हमारा क्रशिंग। क्रशिंग की बात हमने सब कर ही चुकी है, क्रशिंग का टेस्ट भी हमने डिटरमाइन कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है अब्रेजन। अब्रेजन क्या होता है? इसके बाद आ जाता है हमारा जो हम आज बात करने वाले हैं, इम्पैक्ट। ऐसे अगर हम समझेंगे तो तीनों में ही हमारा जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट के ही तीनों टेस्ट है। अगर हम तीनों की बात करें तो हमारा कहीं ना कहीं हमारी एग्रीगेट की ड्यूरेबिलिटी हमें इससे पता चल रही कि एग्रीगेट कितना स्ट्रांग है, कितना ड्यूरेबल है, ये इस चीजों से हम पता कर सकते। क्रशिंग का मतलब क्या होता है? क्रशिंग, अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, अगर मेरा ये रोड है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं लगातार एक लोड अप्लाई करके रखूं, तो यहाँ का जो एग्रीगेट है मेरे, यहाँ के जो एग्रीगेट से, वो क्या होगा, यहाँ से बेंड होने लगेगा, इसकी जो शेप है वो डिफॉर्म होने लगेगी। तो वो हमारा क्रशिंग की वजह से होता है। इसे क्रशिंग कहते हैं कि एक पिन पॉइंट पे जब आप लगातार लोड लगा के रखिए, तो वो हमारा क्रशिंग हो गया। अब आता है हमारा अब्रेजन। अब्रेजन क्या होता है? अगर ये हमारा रोड है, अगर अब्रेजन का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे रगड़ जो लगती है ना, जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी से गिर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो जैसे स्पीड में है, अचानक से गिरेंगे तो 10 मीटर, 50 मीटर, 100 फीट आप ऐसे घिसते हुए जाएंगे, तो क्या होता है, हमारा हाथ रगड़ाता है, उसकी वजह से हमें काफी ज्यादा चोट लगती है, हमारा हाथ छिल जाता है। तो क्या हुआ, हमारा लोड तो नहीं लगा उस पर, बट उस अब्रेजन की वजह से, उस फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि हमारे रफ एजेस रहते हैं रोड पे और यहाँ पे कुछ भी चीज चलेगी, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ अब्रेजन होगा। अब्रेजन की वजह से यहाँ पे जो हमारे अब्रेजन का हमारा बिटुमिन में भी अब्रेजन होगा, साथ ही साथ में बिटुमिन में जो हमारा एग्रीगेट लगा हो, एग्रीगेट के ऊपर जो बिटुमिन लगा है उस पर भी अब्रेजन होगा, इसके साथ साथ हमारा एग्रीगेट में भी अब्रेजन हमें देखने को मिलेगा। तो जो रगड़ लग रही है उसको हम कहते हैं अब्रेजन। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमारा क्रशिंग हमें पता चल गया, अब्रेजन पता चल गया। अब इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट क्या होता है? अगर हमारा ये एक रोड है जिसमें हमारा बहुत सारे बिटुमिन और एग्रीगेट्स मटेरियल सब फील्ड है इसमें, तो इम्पैक्ट क्या होगा?
इम्पैक्ट वो चीज है, वो मोमेंट है जब इस पे लोड आ रहा है। जिस मोमेंट पे ये लोड आया इस पे, तो ये एक इम्पैक्ट जनरेट कर रहा है यहाँ पे। अब मान के चलिए कि अगर किसी चीज को मैं ठोकूं, लगातार मैं ठोकते रहूं एक ही जगह पे, तो वो इम्पैक्ट सहने की उसकी कुछ एक सीमा होती है। कि अगर आप किसी को मार रहे हो, अगर आप कोई बच्चा है उसे आप एक एक बार मारा वो सह लेगा कि हाँ किसी बड़े ने मारा है, दो बार मारोगे फिर भी वो सह लेगा, तीसरी बार मारोगे तो उल्टा मुड़कर वो आपको मारने लगेगा। तो वो क्या हो गया, उसकी इम्पैक्ट सहने की क्षमता हो गई। कि या ये ऐसे समझ लो कि आपने एक बार मारा, धीरे से मारा तो शायद उसको नहीं लगी, दूसरी बार मारा थोड़ी और जोर से तो भी शायद वो नहीं रोएगा, बट तीसरी बार अगर आप ज्यादा जोर से मार दोगे तो वो बच्चा रोने लगेगा। तो उसकी इम्पैक्ट सहने की क्षमता कितनी थी, उतनी ही थी। वो जो जिस फोर्स से आपने तीसरी बार मारा उतनी ही लिमिट में वो खत्म हो गया, वहां पे रोना स्टार्ट कर दिया वो। अब इम्पैक्ट आप एग्रीगेट को कितना बार मार रहे हो, कितना ज्यादा वो इम्पैक्ट वो झेल पा रहे, कितने लोड का इम्पैक्ट वो झेल पा रहे, वो हम इम्पैक्ट से, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट से हम डिटरमाइन करते हैं, जिसको नॉर्मली हम AIV टेस्ट भी बोलते हैं। AIV टेस्ट शॉर्ट फॉर्म है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब ये तीनों का डिफरेंस तो आप समझ गए। अब आगे हमें देखना है कि इम्पैक्ट, आगे हम IS कोड देखेंगे। IS कोड हमें क्या कहता है, क्या क्या हमें apparatus इसमें लगने वाले, कैसे हम ये टेस्ट परफॉर्म करने वाले, ये सब चीज हम आगे चलकर देखेंगे। चलिए, यह एक आपको समझाने के लिए मैं आपके लिए एक सैंपल भी लेके आया हूँ कार का, ताकि आपको और इजीली समझ में आए। जैसे कि हमारी कार कुछ इस तरीके की है, कार के चार पहिए होते हैं, चार पहिए 1 2 3 4। अब इसको मेरा हाथ को आप ये एक रोड समझ लो, ठीक है, एक रोड समझ लो। अब इस पे जैसे जैसे मेरा गाड़ी चलेगा, इस पे अगर गाड़ी चल रही है मेरी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर गाड़ी चलाऊं, यहाँ पे मेरी गाड़ी चल रही है कुछ इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा तीनों चीज लग रहा है, हमारी क्रशिंग भी लग रही है, हमारा अब्रेजन भी लग रहा है, हमारा इम्पैक्ट भी लग रहा है। क्रशिंग इसका, इस कार का जो लोड है, इस कार का जो लोड है वो क्रश कर रहा है हमारे एग्रीगेट को, वो लोड हमारा एग्रीगेट लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो कितना कितना वजन इसका होना चाहिए कि जहां पे हमारा एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू उसकी पूरी खत्म हो जाए और वहां पे वो उतना सह ना पाए और वहां पे वो फेल हो जाए। तो इस लोड की वजह से क्रशिंग आ रहा है जहां पे ये खड़ी है गाड़ी। जब ये कार पार्किंग में है, मान के चलिए स्टैटिक है, चल नहीं रही है, पार्किंग में, तो वहां पे क्रशिंग लगेगा आपका। जैसे ये चलने लगेगी, स्पीड में चलेगी, तो वहां पे हमको अब्रेजन देखने को मिलेगा। किसमें किसमें अब्रेजन देखने को मिलेगा, बिटुमिन में भी अब्रेजन देखने को मिलेगा। अगर स्पीड में चल रही तो बिटुमिन में भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हमारे एग्रीगेट दोनों में हमें अब्रेजन देखने को मिलेगा। इसके बाद में लास्ट में हमारा इम्पैक्ट, कि कितना इम्पैक्ट ये जनरेट कर रहा है हमारे एग्रीगेट पे, ये भी हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए, अब इसके लिए हमारा IS कोड हमें कौन सा यूज होने वाला है, इसके लिए हमारा कौन सा IS कोड यूज होने वाला है, तो इसके लिए हमारा IS कोड हम यूज करेंगे 2386 part 4। एग्रीगेट का जब हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे फर्स्ट वीक में, तब आपने देखा होगा कि 2386 part 1 part 2 part 3 ये सब बहुत यूज हो रहा था। तो ये समझ लीजिए कि IS 2386 हमारा स्पेसिफिकली एग्रीगेट से रिलेटेड टेस्ट के लिए बनाया गया है। तो IS 2386 देख लेते क्या कहता है। चलिए, ये रहा हमारा IS कोड 2386। और आप सभी को ड्रिल तो पता ही है कि क्या करना है। यहाँ पे आपने IS कोड पढ़ा, उसके बाद आपको एक बार पलट कर जरूर देखना IS कोड को। गुड आफ्टरनून आलम, लेट हो,
अच्छा, मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ काफी टाइम से कि जो हमारे 12 से 2 वाले सेशन में काफी लोग जो मौजूद रहते हैं वो 3 बजे के सेशन में क्यों नहीं रहते? क्योंकि मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि एक दो जो यहाँ पे हैं वो ही 3 बजे वाले सेशन में भी अटेंड कर रहे हैं, बट काफी लोग ऐसे जो 3 बजे का सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बिग्स डिजाइन के लिए इतने सारे टेस्ट है ना, जो हमें टेस्ट लगते हैं, कि मुझे वो सेशन को दो एक दिन में 2 सेशन करने पड़े सबको कवर करने के लिए। उस चीज का फायदा उठाओ, लाइव सेशन में रहा करो ताकि आप क्वेश्चंस भी पूछ सको उस टाइम पे। ये आ गया हमारा डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू। माउस दे यार इसका। जूम कर दूं? देखो यार, एक लिमिट तक ही यहाँ पे जूम हो पाएगा। यहाँ पे वो वाली फैसिलिटी नहीं है कि मैं कैमरा जूम कर पाऊँ, बट कोशिश पूरी रहेगी जितना जूम हो पाए क्लियर रहे। ठीक है, चलो डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू। क्या क्या अपैरेटस लगने वाला है यहाँ पे? हम एक तो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करने की एक अपैरेटस आती है जिसका डायग्राम हम अभी देखेंगे, वो लगेगा। तो उसके बारे में थोड़ा स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं कि वो जो अपैरेटस है उसका वेट हमारा आईएस कोड कहता है 60 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 45 kg से कम नहीं होना चाहिए। दोनों ही चीजें कह रहा है हमारा आईएस कोड। कहाँ पे कह रहा है? यहाँ पे देख सकते हो, टोटल वेट नॉट मोर देन 60 kg। टोटल वेट नॉट मोर देन 60 kg एंड नॉट लेस देन 45 kg। ठीक है, 60 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए उस इम्पैक्ट वैल्यू मशीन की अपैरेटस की, और उस 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या क्या पार्ट्स हमारे लगने वाले हैं वो जान लेते हैं। द मशीन शेल हैव अ मेटल बेस वेइंग बिटवीन 22 एंड 30 kg। मतलब उसका जो मेटल बेस रहेगा उसका ही वजन हमारा 22 से 30 kg के बीच में होना चाहिए। विथ अ प्लेन लोअर सरफेस ऑफ नॉट लेस देन 30 सेंटीमीटर डायमीटर। 30 सेंटीमीटर डायमीटर का हमें प्लेन सरफेस नीचे प्रोवाइड करना है, उसमें वो वैसा रहेगा, हम डायग्राम में भी देखेंगे। इसके अलावा एंड शेल बी सपोर्टेड ऑन अ लेवल एंड प्लेन कॉन्क्रीट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रॉकिंग ईदर बाई फिक्सिंग। मतलब ये कह रहा है कि जब भी आप अपेरेटस को सेट करेंगे तो एक ऐसे हार्ड सरफेस पे करना है, ऐसे हार्ड और प्लेन लेवल सरफेस पे आपको उसे रखना है जहां पे वो किसी भी तरीके की मूवमेंट ना कर सके जब आप टेस्ट परफॉर्म करें। जैसे कि आपका हो सकता है प्लेन कंक्रीट का सरफेस हो सकता है, स्टोन ब्लॉक का सरफेस हो सकता है, और फ्लोर एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर थिक, या उसके अलावा किसी तरह का फ्लोरिंग है जिसकी थिकनेस एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर है, इसमें आप इसे रखकर प्रोवाइड कर सकते हैं। द मशीन शेल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रॉकिंग इधर बाय फिक्सिंग इट टू द ब्लॉक और फ्लोर बाय सपोर्टिंग इट ऑन अ लेवल एंड प्लेन मेटल प्लेट। मतलब कि अगर वो हिल रहा है तो वो हिलने को, अगर आपका रॉक कर रहा है, अगर मैंने यहाँ पे या इसे, ये मेरी इंपैक्ट वैल्यू मशीन है, इसे अगर मैं ऐसे ऐसे अगर ये हिल रहा है तो मेरे टेस्ट में हिंड्रेंस आएगी, तो इस चीज को मेरे को अवॉइड करना है, तो मुझे प्लेन एंड लेवल सरफेस की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पास। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक सिलेंड्रिकल स्टील कप की जरूरत पड़ेगी जिसका डायमीटर हमारा 102 mm और डेप्थ 50 mm का रहने वाला है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, डायग्राम में भी देखेंगे, नीचे डायग्राम भी दिया हुआ है आपका इसका। चलिए नीचे चलते हैं।
ठीक है, थर्ड पॉइंट पे थे हम लोग। तो थर्ड पॉइंट पे ये कह रहे हैं कि एक स्टील कप की हमें जरूरत पड़ेगी जिसका डायमीटर हमारा 102 mm और डेप्थ 50 mm का रहने वाला है, विथ नॉट लेस देन 6.3 mm थिकनेस। मतलब कि उस स्टील कप की जो हमारी थिकनेस रहेगी, ऑल अराउंड जो थिकनेस है, वो 6.3 mm थिक से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट 6.3 mm का हमें थिकनेस वहां पे चाहिए रहेगा। विथ इट्स इनर सरफेस केस हार्डन एंड कैन बी रिजिडली फास्टन एट द सेंटर ऑफ द बेस एंड इजिली रिमूव फॉर एम्प्टिंग। मतलब अंदर से रिजिड एंड हार्डन स्टील का होना चाहिए जिसकी वजह से उसको एम्प्टी करने में हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा हमें एक हैमर की जरूरत पड़ेगी, जो हैमर क्रश एक जो हैमर हमें इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगा एग्रीगेट में, उसकी जरूरत पड़ेगी जिसका वजन 13.5 kg से लेके 14 kg के बीच में हो सकता है। इसके अलावा हमारा मीन्स फॉर रेजिंग द हैमर, हैमर को उठाने के लिए, ये सब कुछ हमारा अपैरेटस के अंदर, जो हमारी इम्पैक्ट वैल्यू अपैरेटस है उसके अंदर ही आपको प्रोवाइडेड रहेगा। तो एक बार इसको नीचे इसकी डायग्राम देख लेते हैं और उसके साथ मैच कर लेते हैं क्या ये स्पेसिफिकेशन के साथ मैच कर रहा है। इसके अलावा अपैरेटस हमें क्या क्या लगने वाले, आईएस सीव लगेगा। नहीं, पहले डायग्राम देख लेते हैं। चलो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का हमारा अपैरेटस रहने वाला है। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जो हमने आईएस कोड में देखे वो देख लेते हैं। हमारा हार्डन मेटल बेस स्टील का ये है, इसकी बात हो रही है, और इसे एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करना है हमें, एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करना है ताकि किसी भी तरह की रॉकिंग हमें देखने को ना मिले, ऐसा एक लेवल सरफेस हमें प्रोवाइड करना है। चाहे वो स्टोन का सरफेस हो सकता है, रॉक का सरफेस हो सकता है, या हमारा कॉन्क्रीट का सरफेस हो सकता है, और अगर किसी भी तरह की फ्लोरिंग है तो उसकी डेप्थ एटलीस्ट 45 cm होनी चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद में हमारा ये एक हार्डन स्टील का कप जिसकी थिकनेस हमारी कितनी थी, 6.3 mm, और इसका डाया था हमारा आई थिंक 55 mm, और डेप्थ था हमारा 30 mm। करेक्ट है क्या, चेक करके बताओ जल्दी, करेक्ट है क्या। इसके बाद में ये है हमारा हैमर, ये है हमारा हैमर, आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये हमारा हैमर, और इसका वेट हमारा रहेगा 13.5 kg से लेके 14 kg के बीच। ठीक है, इसके अलावा इसका जो पुली सिस्टम है जिससे हम ऊपर नीचे करेंगे, नो करेक्ट बताइए, डाया 102 mm, इसकी थिकनेस थी हमारी 6.3 mm, डाया थी 102 mm, और हाइट डेप्थ, डेप्थ बताइए, डेप्थ बताइए, 50 mm डेप्थ थी। ठीक है, डेप्थ को मैंने हाइट मान लिया था। चलो ठीक है, ये हैमर है जिसकी वजह जो हमको इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगा एग्रीगेट में, ये हो गया हमारा 14 kg का, और इसके अलावा यहाँ पे हमारा रिलीज क्लॉ रहने वाला है, ये कुछ इस तरीके का रहता है और कुछ इस तरीके का यहाँ से रहता है, तो ये दोनों कनेक्ट होता है, और इसके बाद में जब जब यहाँ पे ऊपर रिलीज पिन टच होती है ये छूटते जाता है और इम्पैक्ट हमें प्रोवाइड करता है, और हमारी जो हाइट, हमको जो एक्चुअल हाइट चाहिए रहती है यहाँ पे ये टच होने के बाद, ये जिस हाइट से हैमर हमारा गिर रहा है ये हमारा 380 mm का रहने वाला है। हैमर यहाँ से यहाँ तक गिरेगा और हमारे एग्रीगेट को इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगा, तो ये जो हाइट है हमारी ये 380 mm रहने वाली है। ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम था। इसके बाद में हम इसका देख लेते हैं क्या क्या अपैरेटस हमें लगने वाले हैं, उसके बाद में उसके पिक्चर्स देखेंगे, फिर 3D मॉडल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अपैरेटस, एक पहला अपैरेटस था हमारा इंपैक्ट वैल्यू टेस्टिंग मशीन, ये हो गई। इसके बाद में आपका एक आईएस सीव लगने वाले, कौन कौन सा आईएस सीव लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, 12.5, 10 एंड 2.36 mm। अब ये स्पेसिफिकली क्यों लग रहा है, अगर आज के वीडियो का आप टाइटल पढ़े होंगे तो फॉर बिटुमिन कॉन्क्रीट रोड, अगर आपने कल का सेशन जाना होगा तो क्यों मैंने बताया था कि हम
बिटुमिन कंक्रीट की जो हमारी वेयरिंग कोर्स होती है उसमें 20 mm डाउन एग्रीगेट्स हम यूज करते हैं, ठीक है। तो 20 mm से बड़ा हमारा एग्रीगेट नहीं रहता, तो इसलिए हमारा जो हम यहाँ पे एग्रीगेट का टेस्ट करने वाले हैं वो 20 mm से छोटे वाले एग्रीगेट्स का करें, जो कि 12.5 mm आई एस सीव से हमारा पास हो जाना चाहिए, 10 mm में रिटेन होना चाहिए। फिर 2.36 का क्या यूज है मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, एकदम सही बोल रहे हो सईद लतीफ, ठीक है एकदम करेक्ट। चलो याद है आपको चीजें, बहुत अच्छी बात है आप सभी को, ठीक है। इसके अलावा टैंपिंग रॉड लगने वाली है, हमें एक टैंपिंग रॉड की जरूरत पड़ेगी जिसका डायमीटर हमारा 10 mm दिया हुआ है, 10 mm डायमीटर टैंपिंग रॉड का। इसके अलावा 230 mm हमारा उसकी लेंथ रहने वाली है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसके बाद में हमारा एक सिलेंड्रिकल मेटल मेजर, मतलब कि एक जो कप हमारा पहले हमने यूज किया वो अपैरेटस में रहने वाला है, एक कप जिसमें आप एग्रीगेट मेजर करोगे, एग्रीगेट को आप टेस्ट के लिए मेजर करोगे, उस कप का डायमीटर यहाँ पे आपको दिया गया है। तो क्या डाया, 75 mm और डेप्थ 50 mm। तो एक डिफरेंस आपको दिखा होगा कि जो हमारी इम्पैक्ट वैल्यू मशीन है उसकी हमारी डाया थी 102 और यहाँ पे हमारी डेप्थ सेम थी 50 mm। मतलब कि जब आप ये वाले सिलेंड्रिकल कप में आप जब एग्रीगेट फिल करोगे और उसको ट्रांसफर करोगे इस वाले कप में, मतलब कि ऊपर कोई ना कोई थोड़ा सा स्पेस बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि ये जो हमारा इम्पैक्ट वैल्यू मशीन में लगने वाली है इसका डाया हमारा बड़ा है, तो ऊपर से कुछ mm का जगह बचेगा। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हम तो इसको ऊपर तक भी भर सकते हैं, तो क्यों इसकी जरूरत पड़ी? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर हमारा हैमर यहां से नीचे, अगर हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं, ये हैमर हमारा नीचे ड्रॉप कर रहे हैं और हमारा ये कप है, हमारा एग्रीगेट पूरा ऊपर तक भरा है, तो हमारा इम्पैक्ट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जो इम्पैक्ट ये हमारा 14 kg का हैमर लेकर आ रहा है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कहाँ, इसके अंदर पूरी तरीके से प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। मतलब हर एक एग्रीगेट के अंदर हमारा इम्पैक्ट जाना चाहिए हैमर का, बट वो नहीं जाएगा। इसलिए ये हैमर का डायमीटर हमने बड़ा रखा है ताकि ऊपर की थोड़ी सी स्पेस हमारी बची रहे, ठीक है, ऊपर की थोड़ी सी स्पेस बची रहे ताकि हैमर हमारा पूरी तरीके से अंदर जाकर उसके बाद इसके अंदर जितना हमारा एग्रीगेट है उस पर इम्पैक्ट पहुंचा सके। क्लियर है क्या यहां तक? क्लियर है? क्लियर लिख दो अगर क्लियर है तो। सर रिपीट, क्या रिपीट करना है सईद जी, बता दो क्या रिपीट करना है, वो मैं रिपीट कर दूंगा। कहां से रिपीट करना है वो बता दो, बाकी सबका क्लियर है, हैमर एंड कप कॉन्सेप्ट, ठीक है मैं फिर से बताता हूं। ये जो हमारा मेजरिंग कप रहने वाला है, मेजरिंग कप एक रहने वाली हमारी, ठीक है, तो ये डायमीटर दिया हुआ उसका 75 mm और उसकी डेप्थ दी हुई है 50 mm, ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसका एक मेजरिंग कप बनाता हूँ, ये मेरा एक मेजरिंग कप है, इसकी डेप्थ की अगर मैं बात करूँ जो यहाँ से यहाँ तक रहने वाली है वो मेरी कितनी रहेगी 50 mm की, डायमीटर जो कि यहाँ से यहाँ तक रहने वाला है वो रहेगा मेरा 75 mm की, ठीक है, ये क्लियर है। इसके अलावा एक जो हमारा कप था वो था हमारा जो एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू मशीन में लगने वाली है उसका डाया आपने बताया मुझे, ठीक है, कि 102 mm था और उसका डेप्थ सेम था 50 mm, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये मेरा कप अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो डाया आई मेरी वो आई 102 और इसकी जो डेप्थ आई मेरी वो आई मेरी 50 mm, ठीक है।
तो डिफरेंस देख सकते हो कि एक हमारा छोटा कप है, एक हमारा बड़ा कप है, ठीक है, दोनों के साइज में डिफरेंस है, ठीक है। अब साइज में डिफरेंस है तो जब इसमें से आप एग्रीगेट मेजर करके इसमें पुट करोगे, इसमें से आप एग्रीगेट मेजर करके यहां अंदर इस बड़े वाले में पुट करोगे, तो ये इसमें तो हमें पूरा कंप्लीटली फिल करना है एग्रीगेट, बट जब आप इसमें पुट करोगे तो हमारा एग्रीगेट एक लेवल तक ही फुल होगा, पूरी तरीके से फुल नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये कप बड़ा है, ये कप हमारा बड़ा है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब इम्पैक्ट वैल्यू का हैमर आएगा, इम्पैक्ट वैल्यू का हैमर, ये मेरा कप है, इसके अंदर मेरा एग्रीगेट अगर मैं ऊपर तक भर दू, पूरा ऊपर तक भर दू, और इसके ऊपर मैं हैमर ड्रॉप करूं, इसके साइज का हैमर, सीधा मैं इस पे हैमर ड्रॉप करूं, तो जो मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऊपर ऊपर के एग्रीगेट्स में ज्यादा होगा, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मतलब नीचे के लेवल में हमारा एग्रीगेट का जो लोड इम्पैक्ट है, एग्रीगेट में जो इम्पैक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसलिए क्या किया गया है कि जब हैमर बनाया गया है, हैमर का साइज का हमारा कप है, बट जो एग्रीगेट हम फिल कर रहे हैं वो एक लेवल तक ही फिल कर रहे हैं, ताकि ऊपर में कुछ एमएम का डिस्टेंस हमारा बच जाए, ताकि जब हैमर इस पे ड्रॉप हो यहाँ पे, तो जो हमारा इम्पैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर एक एग्रीगेट तक आए, हर एक एग्रीगेट के तक आए। एग्रीगेट इस इम्पैक्ट की वजह से थोड़ी ना टूटता है, सिर्फ इस इम्पैक्ट की वजह से थोड़ी ना टूटता है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो उसके इम्पैक्ट से थोड़ी ना टूटता है, एग्रीगेट एक दूसरे से टकराने की वजह से और इम्पैक्ट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाने की वजह से भी टूटता है ना, उसमें हमें वेयरिंग देखने को मिलता है। अब क्लियर है क्या, यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। क्लियर, ओके। एक बैलेंस, एक वेइंग बैलेंस की जरूरत पड़ेगी हमारा, जिसकी कैपेसिटी 500 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए और एक्यूरेसी उसकी 0.1 ग्राम की होनी चाहिए, ठीक है। अपैरेटस हमने सब सब जान लिया, एक थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड ओवन भी हमें लगेगा, हमेशा लगता है 100 से 110 डिग्री सेल्सियस की उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं कि ये अपैरेटस दिखते कैसे, सबसे पहले हमारे प्रेजेंटेशन में यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू पैरेटस, ठीक है, ये हमारा बेस है, ये बेस है, आप देख सकते हो कि एक कंक्रीट सरफेस पे रखा गया है, इसको लेवल है पूरी तरीके से, किसी भी तरीके की रॉकिंग नहीं है इसमें, ये इसका हैमर है, इसका हैमर है, ये इसका लॉक पिन है, इस तरीके से इसका लॉक पिन है, रिलीज पिन जैसे ही आप इस पे लगाएंगे ये गिरेगा, ये हमारा टेम्पिंग रॉड, और यहाँ पे हमारा वो कप जिसकी मैं बात कर रहा था, 102 डाया और 50 mm डेप्थ, ठीक है, ये वो है, वो यहाँ आके फिट होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो इसके अलावा क्या अपैरेटस लगने वाला है हमको, आईएस सीव लगेगा, आईएस सीव क्या क्या साइज के लगने वाले, मैंने अभी आपको बताया, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो, चैट पे बता दो क्या क्या साइज थे हमारे, जल्दी। जल्दी 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 करो यार, मैं ही बता देता हूँ, 12.5 mm, 10 mm और सबसे छोटा था 2.36 mm, ये तीन आई सी हमको लगने वाले हैं, ठीक है, 12.5, 10.2, 2.36, ठीक है, ठीक है, ये तीन लगने वाले, क्लियर। इसके बाद में एक टैंपिंग रॉड लगेगा, इसकी लेंथ मैंने कितनी बताई, इसकी लेंथ मैंने कितनी बताई थी, ये लेंथ कितनी लेंथ बताई थी मैंने इसकी, और डाया कितना था, लेंथ और डाया बता दो, चलो लेंथ और डाया मैंने बताया था,
16 mm डाया, 16 था 12 था, सिक्सटीन एम एम डाया, ठीक है, 16 mm डाया, लेंथ लेंथ लेंथ, जल्दी 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 लेंथ बताओ। इसके बाद में हमारा एक ओवन है, टू 30 mm, ठीक है, ये क्या है हमारा टेम्पिंग रॉड है, थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड ओवन रहने वाला है हमारा, इसका टेम्परेचर 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बीच में हम रखने वाले हैं। चलो ठीक है, यही अपैरेटस हमारा मेनली मेनली यूज होने वाला है। 3D मॉडल की तरफ चलते हैं, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ ले, फिर हम लोग 3D मॉडल पे चलते प्रोसेस पे, ठीक है। चलो किसी का कुछ क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। नो क्वेश्चंस, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट है। तो देखो ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सिंपल है, लास्ट में कैलकुलेशन में जाएंगे फिर। चलो क्लिक हियर, अपैरेटस फिर से देख लेते हैं, अपैरेटस मेटल ट्रे, मेटल ट्रे आ गया, फिर आईएससी 12.5 mm, ये तो आप सभी को रट्टा याद हो गया होगा, आईएससी 10 mm, ISF 2.36 mm, टेम्पिंग रॉड डाया दिया हुआ है, लेंथ 450 to 600 mm दिया हुआ है, गलत है ये, IS कोड हमारा इतना बोला ही नहीं था। सिलेंडर, पहला सिलेंडर जिसका डायमीटर हमारा 102 mm, डेप्थ 50 mm, दूसरा सिलेंडर जिसका डाया हमारा 75 mm और डेप्थ 50 mm, इसके अलावा वेइंग मशीन हमें यहाँ पे लगने वाली है। इसके बाद में हमारा इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, इसके बाद में लास्ट में थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड अवन, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है, प्रोसीजर पे चलते हैं, सिंपल सा है, सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको सबसे पहले एक सैंपल एग्रीगेट लेके आना है, सैंपल एग्रीगेट आप लेकर आए, आप उसको आप 12.5 mm, 12.5 mm एग्री 12.5 mm आईएससी में आप पुट करेंगे, उसके बाद में नीचे वो 10 mm का आईएससी रहेगा जिसमें आपका रिटेन होगा। टेक एग्रीगेट सैंपल एंड प्लेस इट ऑन 12.5 mm आईएससी एंड शेक इट इन सर्कुलर फॉर्म, आफ्टर दैट शेक इट इन 10 mm आईएससी एंड टेक एग्रीगेट विच रिटेन इन 10 mm आईएससी। मतलब वही कह रहे कि 10 mm एग्रीगेट, 10 mm आईएससी से जब आप उसे शेक करने के बाद जो एग्रीगेट हमारा बच रहा है, जो एग्रीगेट हमारा बच रहा है उसे आपको सैंपल के लिए लेना है आगे, उसमें से आप 10 mm में जो रिटेन हुआ उसको, उस सैंपल उस एग्रीगेट को आपको अवन में पुट करना है, अवन में उसे ड्राई करने के लिए आपको पुट करना है 100 से 110 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस ही रखो, फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स, 4 आवर्स के लिए आपको उसे रखना है अवन में, ताकि उसमें किसी भी तरीके का अगर सेचुरेटेड मॉइस्चर हो, सेचुरेटेड मॉइस्चर क्या होता है मैंने कल बताया था आपको, सेचुरेटेड मॉइस्चर हो या किसी भी तरीके का मॉइस्चर प्रेजेंट हो, चाहे बारिश की वजह से या किसी भी तरह का मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो निकल जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो हमारा जो वेट वेइंग जो हम करेंगे उसमें डिफरेंस आ सकता है, हमारे इंपैक्ट वैल्यू के परसेंटेज में डिफरेंस आ सकता है। इसके बाद में हमारा जो छोटा वाला कप था जिसका 75 mm डाया और 50 mm डेप्थ थी, उसमें हमें इस ओवन ड्राइड सैंपल को जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसे फिल करना है। अब फिल करने का तरीका क्या है, 3 लेयर में आपको फिल करना है। आपने पहली बार फिल किया कुछ इस लेवल तक, आपने फिल किया एग्रीगेट यहां तक,
उसके बाद में आपने उसे टैंपिंग करनी है, कितनी बार टैंपिंग करोगे, 25 टाइम्स उसे टैंपिंग करोगे, ठीक है। सैचुरेटेड मॉइस्चर, रीड करें जरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या बोले, सैचुरेटेड मॉइस्चर रिपीट करें जरा, क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी मटेरियल अगर हमारा नेचुरल फॉर्म में एनवायरनमेंट पे मौजूद है, अगर हम एग्रीगेट की बात यहां कर रहे हैं, अगर नेचुरल फॉर्म में वो एनवायरनमेंट पे मौजूद है तो क्या होगा, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं, हो सकता है कभी बारिश हुई हो सकता है कभी उस पर पानी लग गया हो, तो ये सभी चीज को हम अगर टेस्ट करेंगे डायरेक्टली, अगर हम साइट से सैंपल लाकर, तो क्या होगा, हमारी जो इम्पैक्ट वैल्यू की परसेंटेज निकलने वाली है वो मॉइस्चर जो प्रेजेंट है उसमें, मतलब किसी भी तरह की नमी प्रेजेंट है उसकी वजह से वो इम्पैक्ट कर सकता है उसमें, हो सकता है कि हमारी इम्पैक्ट वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाए जो कि उसकी स्ट्रेंथ के साथ जस्टिस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे उसको न्यूट्रल पोजिशन पे लेके आएंगे, मतलब कि अवन में डाला आपने, उसे ड्राई किया अच्छी तरीके से ताकि किसी भी तरह का मॉइस्चर अगर, या सैचुरेटेड मॉइस्चर मतलब वो अगर पानी पी के रखा है एग्रीगेट, उसके अंदर अंदर तक मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो पूरी तरीके से निकल जाए, उसके बाद जो हमें सैंपल मिलेगा वो हमारा न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा जिसका हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। चलो, तीन लेवल में हमने उसे फिल करना है, फर्स्ट में यहां तक फिल किया 25 टाइम्स हम इसे टैंप करेंगे, टैंप कर दिया, उसके बाद में फिर से हम फिल करेंगे, अब यहाँ पे ये हाफ फिल हो जाएगा यहां तक, इसके बाद में फिर से 25 टाइम्स टैंप करेंगे, ठीक है, 25 टाइम्स रैंडमली आपको इसे टैंप करना है, फिर से फिल करना है, फिर आपको इसको टैंप करना है, और इसके बाद तीसरे लेयर में आपको पूरी तरीके से फिल करके फिर से 25 टाइम्स उसे टैंप करना है। अब स्टेप 7 में क्या होगा, हमें उसे लेवल करना है, हमें टैंपिंग रॉड की मदद से उसे लेवल करना है, अगर ये मेरा कप है तो इसे मैं ऐसे करते हुए लेवल कर दूंगा ताकि किसी भी तरीके का एक्सेस अगर यहाँ पे एग्रीगेट फंसा हुआ है तो वो निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट इन रियल लाइफ इट इज प्रेजेंट, रियल लाइफ की ही बात हो रही है, रियल लाइफ में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, तो रियल लाइफ में ही आप जब आप ये टेस्ट परफॉर्म करोगे तो अवन में ही उसको डालकर ड्राई करना है, अवन का काम ही वही है। रिमूव एक्स्ट्रा मटेरियल विच इज ओवरफ्लोइंग इन सिलेंडर, ओवरफ्लोइंग जो मटेरियल है उसे लेवल करना है, इसके बाद में आपको इसका वजन करना है, ठीक है, कि हमारा एग्रीगेट कितना है इसका वजन करेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद में ये जो हमारा सैंपल है इसे जो हमारा 102 mm का डायमीटर का जो हमारा सिलेंडर था कप, जो कि इसका कप है, हमारे इंपैक्ट वैल्यू इंपैक्ट अपैरेटस का कप है, उसमें हमें पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसमें से हमने ये छोटे कप से हमने एग्रीगेट ट्रांसफर करके इसके अंदर ले आए, ठीक है। और एक और चीज, जब आप इसे ट्रांसफर करेंगे तो एक बार फिर से इसे 25 टाइम्स आपको टैंप करना है, थोड़ा इसे पास ले आता हूं मैं कैमरे से बाहर हो जाता हूं नहीं तो। चलो, स्टेप 10, अब इसमें आपको टैंप इंपैक्ट प्रोवाइड करना है, इंपैक्ट कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये हैमर को गिराकर, हैमर का वेट कितना था हमारा 13.5 kg, 14 kg का हमारा वेट था, तो बार बार आप जब इस पे गिराएंगे, है ना, जितने बार आप इसे ऊपर लेके जाएंगे हमारा रिलीज पिन यहाँ पे लगा हुआ है वो उतने बार नीचे गिरने लगेगा। कितने बार हमें इसे इंपैक्ट प्रोवाइड करना है, तो इसे लगातार हमें 15 बार इंपैक्ट प्रोवाइड करना है। अब इसमें एक चीज है कि हो सकता है एक बार आपने गिराया फिर ऊपर लाए, गिराया फिर ऊपर लाए, तो उसमें हो सकता है टाइम लगे, तो वो टाइम का भी इसमें आईएस कोड ने बोला है कि लेस देन 1 सेकंड का टाइम लगना चाहिए, एक बार फ्री फॉल होके फिर वापस गया फिर फ्री फॉल हुआ, इसमें 1 सेकंड से कम टाइम लगना चाहिए, मतलब कि ये कहना चाह रहा है अपनी लैंग्वेज में कि लगातार आपको करना है, बीच में किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं लेना है, मतलब 15 बार आप इसे परफॉर्म करोगे, ठीक है। नीतीश कुमार 15, बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने
हमने 12.5 mm सीव यूज कर लिया था, 10 mm यूज कर लिया था, अभी हमारी एक ही सीव बची है। कौन सी सीव बची है? 2.36 mm की हमारी आई एस सीव बची थी। तो 2.36 mm में जब हम 15 बार इम्पैक्ट प्रोवाइड कर लेंगे हमारे एग्रीगेट में, 15 बार आपने इम्पैक्ट प्रोवाइड कर लिया, उसके बाद में वो एग्रीगेट को हम ट्रांसफर करेंगे 2.36 mm के आई एस सीव में, और नीचे हमारा एक पैन रहेगा, इसके नीचे ये हमारा पैन रहेगा जहाँ पे हमारा कलेक्ट होगा जो सैंपल है, जो भी हमारा 2.36 mm से पास हो जाएगा वो सैंपल हमें यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से सर्कुलर मोशन में आई एस सीव को हम रोटेट करेंगे, जिसकी वजह से ये कलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद में जो हमारा पैन में रिटेन हुआ, जो पाउडर फॉर्म में हमारा एग्रीगेट 2.36 mm से पास होने के बाद पैन में रिटेन हुआ, उसका हमें वजन ले लेना है। तो ए मिल गया हमको, बी मिल गया, ये हमारा बी हो गया, और एग्रीगेट का जो वजन था वो हमारा ए हो गया। ठीक है, चलो कैलकुलेशन के पार्ट पे चलते हैं। अब यहां तक क्लियर है सबको? After, sir, after transfer from measuring cylinder to dia cylinder, we have to temp 25 times in 3 layers. नहीं, आपको एक बार में पुट कर देना है उसे, और एक बार 25 times उसको आपको टेम्पिंग करनी है टेम्पिंग रॉड से। ठीक है, अच्छा ये सैंपल लिया गया है इसमें, ठीक है, ये एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग, ये एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मुझे नहीं पता था इस पे आपको वैल्यूज मिलेंगी करके। चलो हम लोग अपना सैंपल बनाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा इंपैक्ट वैल्यू डिटरमाइन करने का? सबसे पहले तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, ए एंड बी। ए क्या है हमारा? ओवन ड्राई करने के बाद जो सैंपल हमने छोटे वाले सैंपल कप में डाला था, जो कि 75 mm का था, उसके बाद जो वजन किया था हमने सैंपल का, वो उसका वजन, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 330 ग्राम। ठीक है, बी क्या है हमारा? 2.36 mm के आई एस सीव में जब हमने सीविंग की, और जो हमारे पेन में पास हो गया 2.36 mm से पास हो गया जो हमारा सैंपल, उसका जब वजन किया तो वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोल लो कि लेट्स से कि 25 ग्राम सैंपल वहां पे हमारा रिटेन हुआ है हमारा इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट परफॉर्म करने के बाद। ठीक है, इसके बाद में अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारा? W इक्वल टू बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई 100। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, मतलब परसेंटेज निकाल रहे तो हमें पता चली जाएगा। तो यहां पे आप कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना परसेंट आ रहा है। 25 upon 330 multiplied by 100, मेरे को बताओ कितना परसेंट आ रहा है ये जल्दी। सिंपल कैलकुलेशन है, परसेंटेज में आ जाएगा हमारा आंसर 7.58। ठीक है, 7.58% हमारा आ रहा है। सेम टेस्ट आप एक बार फिर परफॉर्म करेंगे, दो बार टेस्ट लेते हो, उसका फिर आप एवरेज निकालोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टेस्ट वन, ये हो गया हमारा टेस्ट वन, ये हो गया हमारा टेस्ट टू यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से ए का सैंपल हम ले लेते हैं 320 के करीब, और बी हमारा आ जाएगा 35 ग्राम, ये हो गया 35 ग्राम। अब ये वैल्यू के साथ में हमारी कितनी परसेंटेज आ रही है वो मेरे को जल्दी कैलकुलेट करके बता दो। दो टेस्ट हो जाएंगे फिर उसका एवरेज हम निकाल लेंगे। बी इज द रिटेन्ड और पास्ट। तो देखो यार, 2.36 mm के आई एस सीव में जब आप सैंपल डालोगे
उसमें से जो पास होगा, जो पास होगा वही तो रिटेन होगा, पास नहीं होगा तो रिटेन कैसे होगा, जो चीज पास हो रही वही रिटेन हो रही है। ठीक है, 10.94, 10.94, चलो आ गया हमारा परसेंटेज, 10.94% आ गया। अब इसका एवरेज निकाल दो, जल्दी से एवरेज निकाल दो, ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय टू कर दो, फिर हमारा एवरेज वैल्यू आ जाएगा। एवरेज एवरेज देख लेते, एवरेज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एवरेज परसेंटेज बताओ मुझे, 9.26%। नाइन पॉइंट टू सिक्स परसेंट ठीक है, 9.26%। अब ये तो हमें पता चल गया, एवरेज इंपैक्ट वैल्यू आ गई हमारे सैंपल की 9.26%, बट इसका क्या, अब इस परसेंटेज का क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या मतलब है, कुछ तो बात होगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसे ना हम चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कि मैं कह लेता हूं कि मेरा एग्रीगेट चार कैटेगरी के हैं, चार कैटेगरी के एग्रीगेट होते हैं मेरे, कि भाई एकदम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का ए ग्रेड का हमारा एग्रीगेट है, बहुत ज्यादा उसमें क्रशिंग इंपैक्ट ये सब की प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम मेरा एक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी का आ जाएगा मेरा एग्रीगेट। ठीक है, अब इसके बाद हमारा एक कैटेगरी मैं ले लेता हूं कि भाई एक्सेप्टेबल फॉर रोड वर्क्स, मतलब इन सब से उसकी स्ट्रेंथ कम है बट रोड वर्क्स में काम चलाया जा सकता है। ठीक है, सर यू डिड नॉट गेट माय पॉइंट, आई एम सेइंग दैट वैल्यू ऑफ बी इज टेकन इन द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट पास फ्रॉम आईएससी। मैं वही तो आपको समझा रहा हूं, आप बोल रहे हो सर यू डिड नॉट गेट माय पॉइंट, आई एम सेइंग दैट वैल्यू ऑफ बी टेकन इज द अमाउंट ऑफ एग्रीगेट पास फ्रॉम आईएससी और रिटेन्ड ऑन इट। देखो मैं फिर से बताता हूं, आपने सीविंग करी, सीविंग करी तो क्या होगा, जो हमारा माइन्यूट पाउडर फॉर्म में जो हमारा एग्रीगेट है, जो नीचे हमारा पैन में जमा हो गया, पैन में जो जमा हो गया हमारा, उसको आप कलेक्ट करोगे, पाउडर फॉर्म को कलेक्ट करोगे और उसका आपको वजन करना है। ठीक है, जो ऊपर बच गया 2.36 mm से बड़ा जो हमारा एग्रीगेट ऊपर बच गया, उसका वजन नहीं करना है, 2.36 mm से जो छोटा हमारा उसके थ्रू पास हो गया है और जो हमारे पैन में बच गया है उसको हम वजन करेंगे। अभी क्लियर है, रिटेन्ड ऑन 2.36 mm सीव, नहीं यार 2.36 से पास हो गया, 2.36 से पास हुआ और पैन में रिटेन हुआ, पैन में रिटेन हुआ, पैन में रिटेन हुआ यार, नीचे पैन में 2.36 mm से पास होने के बाद पैन में जो रिटेन हुआ उसका आपको लेना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब चलो इसके बाद में तीन हो गए हमारे, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेबल फॉर रोड वर्क्स, नॉट एक्सेप्टेबल फॉर रोड वर्क्स, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं मैं, रोड वर्क्स में नहीं यूज कर सकते, इसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, क्लियर है अभी सबको, चलो तो यहां पे हम ले लेते हैं एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग का हमारा रेंज है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग का हमारा रेंज रहने वाला है 10%, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग का हमारा रेंज रहने वाला है 10% या उससे छोटा।
10% या उससे कम कम अगर उसकी इम्पैक्ट वैल्यू आ रही तो उसका एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में कौन आएगी? जो 10 से 20% के बीच में आ रहा है इम्पैक्ट वैल्यू। एक्सेप्टेबल फॉर रोडवर्क्स में क्या आएगा हमारा? 20 to 35% के बीच में जो आ रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? 20 से 35% 35% के बीच में जो आएगा हमारा, 20 to 30% के बीच में जो आएगा वो हमारा एक्सेप्टेबल रहेगा रोड वर्क्स के लिए। और 35% से मतलब 30 के ऊपर और 35 तक या उससे ज्यादा हमारा एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा रोड वर्क्स के लिए, रोड वर्क्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो हमारा रेंज कहाँ पे आ रहा था? हमने जो परसेंटेज निकाला वो कहाँ पे आ रहा है? हमने जो एग्रीगेट यूज किया वो कहाँ पे आ रहा है? लेस इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट इज बेटर। हाँ वही तो बोल रहे हैं ना, जितना हमारा कम है उतना स्ट्रॉन्ग है, जितना ज्यादा हमारा बढ़ते जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ कम होते जा रही है। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हमारा कितना आया था परसेंटेज? 9.26% हमारा आया है। तो हम इसे बोलेंगे एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग टाइप का हमारा एग्रीगेट है। ठीक है, तो रोडवर्क्स में हम इसे यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलो ये वाला भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमारी AIV आ रही है 22.42%। ठीक है, यहाँ पे 22.42 आ रहा है, तो ये कहाँ पे आएगा? ये कौन सी कैटेगरी में आने वाला है हमारा? नहीं मुझे इसका बताओ, एवरेज AIV जो हमारा 22.42% अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये कहाँ पे आएगा हमारा? एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग की गुड फॉर रोड वर्क्स। एक्सेप्टेबल फॉर रोड वर्क, बिल्कुल सही, एक्सेप्टेबल फॉर रोड वर्क में आएगा हमारा ये। क्लियर है, मतलब आज का टेस्ट पूरी तरीके से क्लियर है आप सभी को? ठीक है, गुड फॉर रोड वर्क कह रहे सभी। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलो तो मैं फिर से बता देता हूँ आप सभी को कि 3 बजे की हमारी सेशन है जिसमें अब्रेजन टेस्ट करेंगे लॉस एंजलिस मेथड से, तो वो सेशन मिस मत करना। 3 बजे के सेशन में मिलेंगे फिर। सर बट द फॉर्मूला से ए बाई बी इन विच B is the inversely proportion to AAV means passing increases the AAV decreases. Explain this please. ये फॉर्मूला कहाँ देखा है आपने? हमारे IAS कोड में जो हमारा फॉर्मूला है वो हमने इम्प्लीमेंट किया है। चाहिए तो मैं IAS कोड में दिखा देता हूँ आपको। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू B बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 100। चलो चलो तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि हम लोग मिलेंगे फिर से 3 बजे लॉस एंजलिस अब्रेजन टेस्ट के साथ। ये सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और जितने लोग अभी मौजूद हैं मैं आपको कहना चाहूंगा कि 3 बजे के सेशन में जरूर आइएगा, क्योंकि अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि जो अभी का सेशन अटेंड करते हैं वो 3 बजे का सेशन अटेंड नहीं करते। तो वो मत ऐसा करो, क्योंकि ये सारे टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगे जब हम मिक्स डिजाइन करेंगे। ठीक है, एंड करते तो अभी का सेशन। तो जाने से पहले आप सभी मेरे साथ बोलिएगा
जो हमारा सिविल गुरुजी का स्लोगन है, आप चैट पे बोलिए, मैं यहां पे बोलता हूं। ओके चलिए, मेरे साथ आप सभी बोलेंगे कि करना है खास, अगर करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। मिलते हैं 3 बजे, अंटिल देन थैंक यू सो मच।